अध वेलकम टू अवर चैनल स्नेक्स अवर फैमिली तो आज हम एक छोटा सा वीडियो बनाने वाले हैं लेकिन आज हम हमारा रेस्क्यू वीडियो नहीं बल्कि हमारे एक महाराष्ट्र के फ्रेंड है और जिनका हम एक रेस्क्यू वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड करने जा रहे हैं तो वो एक कभी नए नए रेस्क्यूर बने हैं उनका नाम ही मैं आगे लूँगा वो भी नए नए रेस्क्यूर बने हैं और वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं अभी उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन फिर भी वो अपने गांव के एक कुएँ के अंदर जाके उन्होंने एक रेड स्ने का रेस्क्यू किया जो कि काफ़ी बड़ी बात है हम इतने सालों से स्ने रेस्क्यू करते हैं लेकिन फिर भी हमें कुएँ में जाने से थोड़ा बहुत डर लग जाता है उस भाई ने नया नया रेस्क्यू करना शुरू किया है करीबन चार पाँच महीने से ही वो स्नक रेस्क्यू करता है उसके बाद भी वो कुएं में गए और उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक रेड स्नक का रेस्क्यू किया तो उनके पास वो इस रेड स्नैक का अच्छा वीडियो नहीं आ पाया है क्योंकि उनके आसपास कोई लोग ज़्यादा थे नहीं जो वीडियो शूट कर सके तो उन्होंने मुझे ये वीडियो भेजा बेच, था, था थोड़ा बहुत कि उन्होंने कैसे वो रेस्क्यू किया था उन्होंने क्या किया था उस स्नेक के साथ तो उन्होंने मुझे कुछ स्टोरी भी बताई कि उस किसान का उन पर कॉल आया था कि उनके खेत के बीच में कुएँ के अंदर उन्होंने सांप देखा है अब जब उन्होंने सांप देखा तो कुएं के अंदर पानी भरा हुआ था आप देख ही सकते हैं कि कैसा पानी है और वो सांप कैसे तैर रहा है वो आसानी से हमें पता चल जाता है कि वो एक रेट स्नैक है जो कि नॉन नमल स्नैक होता है तो अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वो महाराष्ट्र के झलगांव जिले के एक तालुके है मुझे उसका नाम पक्का याद नहीं है मैं नीचे मेंशन कर दूंगा उनको जब ये बात मिली कि उनके गांव के कुएं में एक सांप है वो तुरंत वहां गए उन्होंने वहां देखा तो कुएं में फुल पानी भरा हुआ था और उसके अंदर उन्होंने रसने को देखा उन्होंने तीन घंटे उसको बाहर निकाले की मेहनत की कि अंदर ना जाना पड़े और उसे आसानी से हम निकाल सके उन्होंने मेहनत की लेकिन वो नहीं निकला अगले दिन उस किसान ने उस कुएं का सारा पानी निकाल के खेतों में डाल दिया और उसके बाद वो निखिल भाई को उन्होंने फिर से कॉल किया निखिल भाई ही उनका नाम है जो कि वहाँ अभी नए नए स्नेक रेस्यू सीख रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है आजकल सांपों के लिए सोचना भी एक बहुत ही अच्छी बात है ये तो उनके लिए काम भी करते हैं तो जैसे ही कुएं में से पानी निकल गया निखिल भाई ने तुरंत ही अपनी हिम्मत दिखाई और और फिर क्या था वो आसानी से उस कुएं के अंदर एक रस्सी और टायर की मदद से चले गए उन्होंने अंदर जाके उस रेड स्नेक को देखा उसे रेस्क्यू किया उसे एक थैली में पैक किया और उन्होंने बाहर निकाला उन्होंने ये वीडियो शूट करने के लिए एक भाई को दिया भी था लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से उनका वीडियो नहीं शूट हो पाया लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छे से उस स्नेक का रेस्क्यू किया उसे बाहर निकाला हमारे पास उसका अच्छा वीडियो नहीं है लेकिन हमें ये वीडियो डालने का क्यों अच्छा लगता है क्योंकि जब स्नाप के लिए कुछ करता है और वो भी उनको बस इतना एक्सपीरियंस नहीं है वो भी नए नए स्नैक रेस्क्यू सीख रहे हैं उसके बाद भी उन्होंने इतना अच्छा काम किया ये देख के ही काफ़ी अच्छा लगता है तो यही हमारे निकल भाई और उन्होंने यही सांप को उस कुएं में से निकाला है आप देख सकते हैं ये रेड स्नैक है और उन्होंने काफ़ी अच्छे से उसे कुएं में से निकाल के वो खेतों में सबसे सामने निकाल के समझा रहे हैं कि ये कौन सा स्नैक है इसके कांटे से आपको क्या होता है क्या नहीं होता तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो देखा था कि पानी के अंदर एक रेड स्नेक मर गया था और उसकी बॉडी वो धीरे धीरे वो सड़ने भी लगी थी साफ पानी में रहते हैं उसकी वजह से वो धीरे धीरे मरने लगते हैं तो इस भाई ने बहुत ही अच्छे से उस स्नेक का रेस्क्यू किया उसे बाहर निकाला लोगों को उसके बारे में समझाया कि ये जहरीला नहीं होता और अच्छे से उस स्नेक को उन्होंने रिलीज भी कर दिया है उनके पास सभी वीडियो इतना अच्छे से नहीं आ पाए क्योंकि वो अभी उनकी वो शुरुआत है स्नेक रेस्क्यू की लेकिन फिर भी कई बार हमें ऐसा होता है कि उनके परिवार से सपोर्ट नहीं मिलता फिर भी वो लोग सांपों के लिए काम करते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है परिवार से सपोर्ट ना मिलना भी एक आम बात है क्योंकि हर माँ बाप ये नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा वो सांपों के साथ यानी कि मौत के साथ हर रोज़ खेलें तो फिर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हम काफ़ी इंप्रेस हैं उनके काम से तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने उनके लिए स्पेशल बनाया है कि वो जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है और आगे भी वो काम करते रहे हमने भी उनको बोला है हमारी कोई भी जरूरत आ हो हमको कोई स्नेक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी चाहिए आप हमें कभी भी बोल सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है अगर आपको उन भाई का काम अच्छा लगा है और उनकी वो बहादुरी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू